Podcast presents Between the Sheets. So my name is Anil and this show is called Between the Sheets. Give it an open mind and listen to it. Just listen. I was in 8th standard when I used to listen to your show. 8th standard? Yep. Oh my God, you're not supposed to. You understand that, right? This is for adults only. The show has a history. It started on the internet in 2001. Then it came on to an FM station in 2007. Went off air by 2009 late. And now we're back on. So we've had an interesting history on the show. Tumhari intezaar mein bita di sari zindagi nahi dekhne ko mila tumhari ek jhalak. बेबस होकर निकले थे हम घर से उसी बेबसी को लेकर जी गए सब। If you like what you hear, you're just a click away from many more episodes from your favorite show. जी नहीं, ये ऑटो रिक्शा नहीं है, पर थी। और आज नेचुरली देसी, ये नाम है ना, नेचुरली देसी एक नया इंडियन रेस्टोरेंट। अब संजीव कपूर के मसाले खा खा के मैं भी थक गया हूँ। संजीव जी बुरा मत मानना, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। पर आज यहाँ पे आके खाया हूँ, नहीं खाऊंगा, अभी तक खाया नहीं। पर ये दो लड़कियां हमें यहाँ लेके आई हैं, ये इसको चलाती हैं और ये इसको क्या करती हैं, प्रमोट, सपोर्ट, 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 सपोर्ट करती हैं। तो हाय हाय लगे रहो, मैं बोलते जाऊं। तो आज मैं अपने यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ, जाहिर है कि मेरे दूसरे कपड़े भी हैं। अगर आप वंडर कर रहे हो कि यार इसके पास कुछ दूसरे कपड़े हैं कि नहीं, तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया इस उम्मीद से कि नेचुरली देसी में नेचुरल देसी खाना घर जैसा स्टाइल मैं खाऊं। कुछ लोगों को घर वाला स्टाइल पसंद नहीं है, डिपेंड्स ऑन घर में कौन खाना बनाता है। पर इन जैसों के हाथ में जो गुण है वो घर में खाना बनाए तो बाहर क्यों आए। पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे घर में कभी कभार हो जाता है घर जैसा स्टाइल अच्छा है, पर मोस्टली नहीं होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ये जो वहां बैठे हैं। तो मुझे दूसरों के घर के खाने के लिए टेस्ट ज्यादा बढ़ता है, तो हम यहाँ आए हैं। तो आप अपने खाने के बारे में थोड़ा बताइए। घर जैसा खाना मम्मी की और नानी की रेसिपीज, उन्हीं के मसाले, और वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव फ्रेश। मेरे शेफ मुझसे तंग हैं, दे आर कुकिंग द मोस्ट फ्रेश फूड इन द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। बाकी शालिनी यू टेल। वैसे शालिनी कैमरा के सामने शाय तो नहीं है। आप ही शुरू करिए ना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे पे खाया पालक और पराठा। अब मैं इतने कार्ब्स नहीं खाती, पर बिलीव करो उस समय मैंने डेढ़ पराठा। देखो जी, कार्ब्स नहीं खाते तो ये नतीजा है। खाते गए एंड द नींबू पानी, और जो नींबू पानी स्पेशल मसाले के साथ, अच्छा दैट्स अ मस्ट टू ट्राई, एंड चिया पुडिंग इन कोकोनट मिल्क। रेसिपी मत बताना, बहुत इंडिया में कॉपी करने के लिए वो जरूर खाना है। और अभी रिसेंटली इसने डाला कि कढ़ी चावल, वो मुझे ट्राई करना है, पर वो शक्ल देखते मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। किसकी? कढ़ी चावल। अच्छा, ओके। तो अब आप अनिल आए हुए हैं यहाँ पे, तो टेस्ट करेंगे। यस, लेट मी सर्व यू फूड नाउ। खाने को ना। पूछने में क्या जाता है? और फिर वो अपनी राय, अपना ओपिनियन देंगे। अच्छा, आप दिल्ली के हैं? हाँ जी। वाह, आपकी हिंदी तो बढ़िया है। अच्छा। मेरी हिंदी इनसे भी अच्छी होने लगी है, ये अमेरिका में रह रहे के इनको घिस जाती है इनकी हिंदी। ठीक है, बात नहीं। खाना अच्छा है, होम स्टाइल, बिल्कुल होम स्टाइल, पंजाबी जट खाना। आप खाने लगेंगे आपको बताएंगे इसके बारे में खाने के बाद। और छोला भटूरा जरूर ट्राई करना। छोला भटूरा जरूर खिलाना, जरूर। Done. Thank you. और ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वैसे आपका नाम क्या है, बताइए? अर्चना। अर्चना ने छोले भटूरे अपने हाथ से बनाए या बनवाई हैं? नहीं, अच्छा, आपकी रेसिपी बनाया किसी और ने? ना आपके हाथ का नहीं, तो उनके घर का खाना ये? देखो जी, दिस एक्चुअली लुक्स रियली गुड। कलर भी सही है जैसे होना चाहिए।
अकम्पनीमेंट्स भी सही हैं जैसे होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा है, अगर किसी ने बोला पोर्शंस कम है उनको पता नहीं, या वो बकासुरा के रिलेटिव्स हैं ज़्यादा खाते होंगे, पर पोर्शंस तो ठीक ही हैं। आपका क्या ख्याल है? देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहे हैं, मैं दिल्ली से हूँ और ये छोला भटूरा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मिलता है, भंडारा रोड के जैसा है, भंडारा रोड जैसा, बस उसमें चावल नहीं मिलते हमें, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है और भी अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, चुपचाप खाओ, चुपचाप से खाओ। और अब हम कंप्लेंट मत करेंगे, इसलिए अब अपना आई विल कॉल इट नाउ, इस पे टूटने वाले हैं अभी हम। आप टूटने वाले? नहीं नहीं नहीं, ये आप अपना खाना लाओ। अच्छा ठीक है, तो आप टूटे फिर। हाँ हम तो टूटेंगे। अच्छा पहले आप पे टूटे। चुस्कियाँ ले रहा हूँ, बड़े दिन हो गए गाड़ी चला चला के कोई दिखा नहीं, क्या के? तो बिटवीन द शीट्स का जो आदत है ना वो जरा उभर के आ रही है। आप भी वो शो सुनिए, आप भी वो शो सुनिए बिटवीन द शीट्स सोचकास्ट पे, डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, और फिर आप भी सुनिए दुनिया की सोच। तो खाना वाना खा लिया, टकार भी मार लिया, मारते मारते कुछ और लोग आ गए, और ऐसे लोग आते जाएंगे तो ये तो सुपर हिट रेस्टोरेंट। खाने के साथ क्या क्या मिल गया आपको? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो इस रेस्टोरेंट के खाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी अभी आई हूँ, अभी ट्राई नहीं किया, बट चाय बहुत ही स्वादी, मसाला चाय बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहली बार आ रही हूँ आते ही ऐसा लग रहा है घर पे इंडिया पहुँच गई हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई रियली मिस इंडिया। कब जब गई थी लास्ट? लास्ट टू लास्ट दिसंबर, डेढ़ साल हो गया। मैं हर साल दो बार जाती हूँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड डैम इसलिए ये इंडिया लगने लग गया, लगने शुरू हो रहा है। अच्छा, इसको देख के क्या याद आता है? हाँ, इसको देख के तो बिल्कुल दिल्ली की सड़कें और स्ट्रीट्स याद आती हैं, और इसमें बैठने का मन करता है। ऑटो ड्राइवर याद नहीं आते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आते, नहीं। बट ड्राइवर को हटाओ, ऑटो फिर सुंदर लगने लगेगी ना, ये ड्राइवर ही ऐसी है। हम बैठ जाते हैं ड्राइवर सीट पे, क्या है। अच्छा ना, सही बात है, पहली बार आए हो ना। ये हमारी डेलिकेट डार्लिंग, यहाँ दर्द मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ड्रामे करती रहती है, सिर्फ सर में दर्द, इसके दर्द, नेक में दर्द, पीठ में दर्द, टांगा दर्द, पता नहीं काम नहीं, काम काम के बहुत लेजी, काम नहीं करना चाहती यहाँ का, और मैं काम करती रहती हूँ। और ये यहाँ वही हमें मिले नहीं, आज किचन बंद हो गई, क्या बोला मैंने। तो ये है नेचुरली देसी में जो लोग आते जाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। खाना तो सिर्फ खाना, वो तो हर जगह मिलता है, पर खाने वाले का साथ जो मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं। जरूर आइए यहाँ पे सैन डिएगो में, नेचुरली देसी, नेचुरली देसी, क्योंकि यहाँ नेचुरली देसी लड़के जो यहाँ पे आएंगे उसके बाद मेरे सोलो सिलेक्ट के बुटीक पे जाना है। आपको वहाँ पे मिलेगा आपको। आप क्या चलाते? देखो आपको इंडिया का पूरा मजा लेना, खाना है, क्या चलाते, अच्छा पहनना है, फिर पहनना है, फिर खाना है, के बारे में बताना। बुटीक सोलो सिलेक्ट, बेस्ट बेस्ट बुटीक इन सैन डिएगो, बेस्ट सिलेक्शन। गो टू माई फेसबुक पेज सोनल सिलेक्ट्स एंड आई गो लाइव देयर ऑल द टाइम, यू कैन वॉच ऑल माई रिकॉर्डिंग्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइसेस। आप वहाँ जाके इनको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कर देना, फ्रेंडशिप करोगे वाला रिक्वेस्ट भेजते रहना, उनको ब्लॉक कर देती हूँ मैं, फिर खरीदारी नहीं होगी। नहीं नहीं, आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए सोनल सिलेक्ट्स एंड यू कैन वॉच ऑल माई वीडियोज। आपको इतना अच्छा लगे, आपको लगे आप इंडिया पहुंच गए हैं, सारी पूरी इंडिया की शॉपिंग हो गई वहाँ पे। कैसे वीडियोज हैं? बहुत डिसेंट वीडियोज हैं, कपड़ों के वीडियोज हैं, एंड आई डू लॉट ऑफ मॉडलिंग देयर, सो यू कैन सी दैट डेफिनेटली। आपको भेज दिया उन्होंने खाने के साथ, शेरवानी भी पहना दी। शेरवानी नहीं, ओनली लेडीज क्लोथ्स। वैसे आई डू कीप मेंस क्लोथिंग ऑल्सो, बट आई डोंट शो देम इन माय लाइफ, बट यस आई डू कीप देम। सो गाइज डू कम विजिट मी सोनल सिलेक्ट्स इन फॉरेस्ट रैंच, एंड माय नंबर, इज इट ओके टू से द नंबर? नो नो, आप सर्च नहीं, इंडिया से तो नहीं आएंगे। हाँ एग्जैक्टली, इंडिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं है, यू ऑलवेज विजिट माय पेज सोनल सिलेक्ट्स। बस उनकी लाइक संख्या बढ़ाए। ओके, थैंक यू। बिटवीन द शीट्स सुनना ना बोले। तो एक भर पेट खाने के बाद हम पैसेंजर सीट में बैठ रहे हैं, एक नई बात है, पर जब ड्राइवर ऐसा हो और पैसेंजर पीछे ऐसा हो तो लाइफ
क्या कहता हूँ मैं, झिंगाला है, है, ये आपके लिए जी, मुझे तो मिलता नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाकी सब आपको वॉच नहीं करना चाहिए आपके लिए नहीं, सो थैंक यू और फिर मिलते हैं, बाय।